चलो बेटा सर जैसे सर मिलेंगे नहीं और बाहर आओ सर से मिलो। चलो अच्छा काम करना है। ऐसा होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। आना मेरे पास सर तुम सीजीआरडी बस वीडियो जब आप पी लेते हैं ना सर मोबाइल में फेसबुक में इंस्टाग्राम में देखते हैं सेल्फी ले रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि कुछ बच्चे एक बच्चे जो जेल गए थे जेल से आए हैं उनको भी समझाइश दी गई। कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे आए निश्चित रूप से बच्चों से मिलने से संवाद करने से उनका भी हौसला बढ़ा है और हमें भी जनता को समझने में फायदा मिला है। सर अभी घूमते 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 हो चलो ख्याल रखो आगे अच्छा लगता है क्या बताओ लोग बाजी करो तो कितने हुए चार पाँच दिन हुआ था 18वां में तो भारी नहीं था ओ बड़े पहले का ये क्या पहले उतरो बेटा सर जैसे सर मिलेंगे नहीं और बाहर आओ सर से मिलो। चलो अच्छा काम करना है ठीक है एक दो सौ से नोटिस बनाओ हिंदी का भी पता ये देखे आए हो ना यार ऐसा जो होगा तुम लोग कौन दो आप देखे आए ना ऐसा बोलते तो सब लिख के आए हो देखो काश कोई ऐसा होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। आना मेरे पास सर तुम सॉरी तो है अब कौन ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। अरे भाई क्या आपको लगता है कि एम की कथन में उसकी डायरी लेखन का कारण छिपा हुआ है। अरे गुड चलो गुड कितने पेपर और हैं चार पेपर चलो अच्छी तरह देना ठीक है दो नाम चलते हैं क्या ये भी नाम चलता है बस झाड़ू राम दिवाकर स्कूल कैसे लोग समय का दुरुपयोग करते हैं प्राइवेट वाले बच्चे ग्राम पे आ जाओ दो मिनट की जानकारी देनी है वाचन के क्या मापदंड है किस प्रकार बनने के लायक नहीं है मैं देख लेता हूँ गुड सब आपका उत्तर दिया बेटा रेगुलर बच्चे आप लोग बाहर निकल जाइए आप पता नहीं बाकी प्राइवेट वाले बच्चे आप लोग भी आ जाओ बेटा इधर आ जाओ और आपका कैसा हो बेटा सी सेट तो आपका क्या सेट अलग से रहता है आजकल तो इधर तो घुमा लेता है इसका भी क्रमांक है सर जी बाकी भी है हमारी क्लास में नार बच्चे अरे यार तुम्हारा वो तो है ही नहीं लोगों लोगों ही बुला दिया खिलवाया हूँ सर चलो कितने एग्जाम बचे चार यस सर एमबीबीएस करोगे कैसा क्या बता देखो भाई एमबीबीएस करने वाला लड़का है सर डॉक्टर है ना पता है आपको आपको पुलिस बाद में बने पहले डॉक्टर है नाम जानते हो
क्या नाम है बच्चा? देखो जानते फैन फॉलोइंग सर। कहाँ देखे मुझे यार? मोबाइल में ना, फेसबुक में ना, इंस्टाग्राम में देखते हैं। गुड गुड। अभी चारों एग्जाम देना ठीक से, ठीक है? एग्जाम तक इंस्टाग्राम बंद रखना। बस चलो गुड यार, अच्छा करो। डॉक्टर को तो बताना मुझे। क्या करोगे आगे पढ़ने के बाद? वेरी गुड सर। डॉक्टर की भीड़ है बनने की। सर भी डॉक्टर है? सर डॉक्टर है पता है कि नहीं आप लोग? अरे वो पीएचडी वाला डॉक्टर नहीं भाई, ओरिजिनल डॉक्टर है। दिमाग के भी डॉक्टर, साइकाट्रिस्ट भी है, एमबी। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप वीएलसी न्यूज़, और वीएलसी न्यूज़ में जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुर्गा आदर्श कन्या स्कूल में जो है एग्ज़ाम जो शुरू हो गया है, यहां पर औचाक निरीक्षण पर दुर्गा एसपी के साथ पूरी पुलिस महकमा यहां पर पहुंची हुई है। आइए जानते हैं सर से कि मतलब आज अचानक आने का क्या ये रहा कि देख रहे हैं सर की लोकप्रियता, जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट बन के आए हैं वो लगातार सेल्फी ले रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि प्रीता जो दुर्ग शहर में वो किस तरह से है। जी सर बताएंगे, अभी जैसे आए हैं बच्चे लोग आपसे सेल्फी ले रहे हैं और मोटिवेशन जो आपके तरफ से मिल रहा है उस पर क्या कहना है सर? हाँ, क्योंकि बच्चों का 12th का पहला एग्जाम था तो बच्चों से मिले, उनको एग्जाम के प्रेशर के बारे में बताया, आगे उनको शुभकामनाएँ दी। कुछ बच्चे, एक बच्चे जो जेल गए थे जेल से आए हैं उनको भी समझाइश दी गई। कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे आए, निश्चित रूप से बच्चों से मिलने से, संवाद करने से उनका भी हौसला बढ़ा है और हमें भी जनता को समझने में फ़ायदा मिला है। सर अभी जैसे कि देख रहे हैं कि जो बच्चे आपको पूछ रहे हैं और वो अपने एम को भी बता रहे हैं सर, तो ज़्यादातर किस टाइप में एम वाले बच्चे मिल रहे हैं? लड़कियां ज़्यादा डॉक्टरी की तरफ उनका रुझान है जी। और लोग पुलिस फोर्सेज में, सिविल सर्विसेज में, हर जगह जाना चाहते हैं, तो उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। सर अभी जैसे कि आप सबको, सभी को पता है कि आप एक डॉक्टर भी रहे हैं, तो लोग जो हैं आपके मार्ग में भी चलना चाहते हैं, डॉक्टर ज़्यादा बनना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। समाज में मेडिकल जो है बहुत ही अच्छी सेवाएँ हैं, जनता को सेवा दिया जा सकता है। जो बच्चे हैं नशे से, जुए फट्टे से दूर रहें और पढ़ाई में मन लगाएं, अपना एक करियर बनाएं और राष्ट्र निर्माण में एक सहयोगी बने। सर औचाक निरीक्षण जो आपने किए हैं वो अचानक हुआ कि पहले से प्लानिंग था सर? नहीं नहीं, अचानक हुआ, मालूम चला आज बोर्ड एग्जाम अखबार में मैंने पढ़ा तो मैंने कहा बच्चों को जाके मिलना चाहिए। जी थैंक यू। आइए जानते हैं बच्चों से कि उनका पेपर आज पहला दिन था कैसे गया, अपना नाम बताना। एक्चुअली मैम मेरा नाम रंजन कुमार गुप्ता है, मैं क्लास 12th ए सेक्शन में पढ़ता हूँ। कैसे बना आज पेपर? अच्छा बना मैम, क्योंकि जो पढ़े थे हम लोग वही आया था। कोरोना की वजह से कुछ पढ़ाई में बदी आए थे लेकिन उसके उपाय भी सरकार ने निकाली थी हम लोग के लिए। किस तरह उपाय निकाले थे? जैसे कि हम लोग का बेसिक चेक कर रही थी कि कैसा हम लोग पढ़ने में, कोरोना की वजह से तो आप लोग जानते ही हो कि ऐसा हो गया, तो फिर हम लोग का निकला था तो उसके ऊपर हम लोग का टेस्ट भी होता था, तो उसके हिसाब से फिर जाता था हमारे शिक्षा मंडल में कि हम लोग कैसे स्थिति में है, तो उसके हिसाब से पेपर बनाता था। लेकिन जिस हिसाब से पेपर बनाया था आसानी बना था। मैं अच्छा, पेपर कैसे आया? पेपर अच्छा मैम, अच्छा है। कौन सा पेपर रहा? हिंदी का था मैम। मतलब आप खुश हो? यस मैम, पेपर अच्छा बना मैम। अच्छा थैंक यू। पेपर बिल्कुल सरल था बट टाइम मैनेजमेंट की वजह से थोड़ी त्रुटि हो गई, कुछ क्वेश्चन छूटे, बट ओवरऑल मैं पेपर से सेटिस्फाइड था। सीजी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक अच्छा पेपर सेटिंग किया है, कम से कम जिनकी पढ़ाई नहीं भी हुई थी वो भी निश्चित रूप से पास हो सकते हैं। आपका नाम? मैं जय कुमार शर्मा। आप लोग बताएंगे? मेरा पेपर तो बहुत खराब बना है, ए सेट वाले लोग साथ गद्दारी हुआ है एक तरीके देखा जाए तो। जितना हम लोग गद्दारी का मतलब, जितना हम लोग को पढ़े हम लोग को मतलब एमबी क्वेश्चन बताएगा वो आया ही नहीं, तो बाकी लोग तो खुश है। मेरे ए सेट वाले लोग खुश कोई नहीं है, वो देख सकते मेरा भाई भी है और आपका, आपका भी मेरा ए सेट है, मैं खुश हूँ। आपका मित्र तो बोल रहा है ए सेट अच्छा नहीं आया है। ए सेट अच्छा, जो पढ़े रहते हैं उसके पास अच्छा लगता है, उसको पढ़े नहीं रहते उसको अच्छा नहीं लगता है। आपका परम मित्र बोल रहा है ऐसे? नहीं, वो मेरा परम मित्र है लेकिन वो आज भी पढ़ा नहीं था। पढ़ा नहीं था? हाँ। अच्छा आपका कैसे बना पेपर? मेरा मस्त बना है, 50 नंबर तक का बना है मेरा। 50 नंबर तक का बना है? हाँ। खुश हो? हाँ। आपका भी ए सेट है? बी। बी सेट? बी सेट। खैर मेरे 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 हिसाब से ठीक था वो, क्योंकि मैं उसमें पढ़ा था बहुत कुछ करके। अच्छा, कि दुर्गा एसपी ने कितने सरलता से आज के जो यहाँ पर औचाक निरीक्षण में आए उसके बारे में बहुत सरलता से बताए हैं। हर खबर के लिए बने रहिए वीएलसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।